नई ये बातें हैं पुरानी। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। थामा हर रोका इसको किसने, हाँ ये तो बहता पानी। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। ला 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 इसमें नशा, जिसने पिया वो गम में भी हंसा। पल में रुलाए हमको, बल में हंसाए जिंदगानी। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। दिस इज सोनी त्रिवेदी द सिंगिंग शेफ। खाना और गाना। मटर सस्ती हुई हुई अभी मार्केट में, ठंडी चल रही है, तो आज मैं एक यूपी, क्योंकि मैं खुद यूपी से हूँ इसलिए यूपी इंस्पायर्ड डिश निमोना बोलते हैं, या आप उसे मटर की दाल भी बोल सकते हैं। तो लेट्स बिगिन विद द रेसिपी। ये हम मटर छील लेंगे और उसके दाने निकाल लेंगे उसमें से। ये 1 किलो मटर के दाने हमने निकाल लिए हैं। आइए निमोना के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये है 1 किलो मटर के दाने, 1 बोल हरी धनिया, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी 1.5 टीस्पून, 1 टीस्पून हींग, 12 लहसुन की कलियां, 5 तीखी हरी मिर्च, 1/3 कप ऑयल। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हमने ये जो लहसुन, मिर्ची और हमारा धनिया पत्ती है उसे हम अच्छे से हमारे मिक्सर में पीस लेंगे। ये हमारे धनिया पत्ती, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट रेडी हो गया है। अब हम इसे एक बोल में निकालेंगे। ये बोल में मैंने अपना मसाला धनिया पत्ती वाला निकाल लिया। ये मैंने खलबत्ता लिया हुआ है बड़ा वाला, जिसमें मैं अपने मटर को डाल दूंगी और इसे क्रश कर लूंगी। इस तरीके से इसे हल्के हल्के हाथ से हमें कोसली पीस लेना है। ये थोड़ा थोड़ा देखिए क्रश हो गया है, और इसी तरीके से हल्के हाथों से क्रश करते हुए हमें दाल की कंसिस्टेंसी होने तक क्रश कर लेना है इसे। मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी थी गर्म होने के लिए। तेल गर्म होने के बाद मैंने उसमें हींग और हल्दी डाल दिया है, और जो हमारा क्रश्ड मटर था उसे भी इसमें ऐड कर लिया है। हमें हमारे क्रश्ड मटर को तब तक भून लेना है जब तक ये नीचे से थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाए। हमें इसे 4 से 5 मिनट के लिए भूनते रहना है। इसे हम इसलिए इतना भून रहे हैं ताकि जो हमारे मटर की कच्ची स्मेल है वो हम इसमें से निकाल। ये मसाला थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से हमारे कढ़ाई में लगना शुरू होगा, बट आप चिंता मत करिए, जल नहीं रहा है। हम इसे भून रहे हैं ऑयल में अच्छे से। आप देख सकते हैं हमारा जो मटर है वो गोल्डन ब्राउन हो गया है थोड़ा थोड़ा। अब हम ये जो हमारा पिसा हुआ मसाला है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। सॉल्ट एज पर टेस्ट, और ये मैंने 5 कप पानी लिया है वो मैं इसमें ऐड कर लूंगी। ये जो पानी का प्रपोर्शन है वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। हम लोग ये जो दाल है इसे थोड़ा सा पतला कंसिस्टेंसी में पसंद करते हैं। अगर आपको थिक दाल पसंद है तो आप पानी कम डाल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मेरा पानी बिल्कुल रिड्यूस हो गया, और मुझे इसे कुक करने में 5 to 7 मिनट्स लगे हैं। ये इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए ऐसी है। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये निमोना बिल्कुल बन के रेडी है। मैंने इसे स्टीम राइस के साथ सर्व किया है। आप इसे अगर चपाती के साथ खाना चाहे तो खा सकते हैं, और इसे मैंने गार्निश किया है थोड़े से कोरिएंडर लीव्स और मटर के साथ। सो फ्रेंड्स, अगर आज आपको मेरा निमोना अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माय चैनल विच इज द सिंगिंग शेफ, खाना और गाना।